Full stop means when we made a complete pause. After the completion of the sentence, जब हम last पे completely रुक जाते हैं वहां पे हम full stop डालते हैं. Full stop हम किसी भी statement के end में डालते हैं, ये आप लोगों को पता है, isn't it? हर किसी को पता है ना? Yes, sir. क्या full stop क्या करते हैं हम? Complete. मतलब कैसे हम यूज करते हैं फुल स्टॉप, ये हमें जानने की जरूरत है. ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, ऐसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब हम कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो लास्ट पे हम सेंटेंस को जब हम क्लोज करते हैं, जब हम पॉज करते हैं, जब हम रुक जाते हैं तो वहां पे हम फुल स्टॉप. इजंट इट? इतना ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम दो सेंटेंस लिखते हैं, पहले एक सेंटेंस, उसको जब हम उसके साथ जब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दूसरे सेंटेंस को जब हम बिगिन करते हैं, पहले सेंटेंस को क्लोज करके फुल स्टॉप डाल के फिर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, उसको भी क्लोज करते हैं, हम क्या कर रहे करते हैं, क्लोज करते हैं. लेकिन 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 फुल स्टॉप में हमें यह देखना है कि अक्सर ये कंफ्यूजन है, अक्सर इस कंफ्यूजन का हम शिकार होते हैं जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी लिखते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं, किसी का नाम लेते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में, किसी का नाम जब हम लेते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में, अक्सर ये कहा जाता है, मैंने हर वक्त देखा है, हर किसी में ये फॉल्ट है, हर किसी में. मैं अगर ये जनरलाइज करूं कि जब हम देख लेंगे कि About 60% of the people, 60% of the people, हमारे जो indigenous, जो local people हैं, 60% of the people who use English, जो कहते हैं कि हम English अच्छी तरह use करते हैं, लेकिन जब बीच में वो इतनी ज़्यादा गलती करते हैं कि जो English जानने वाला होता है, particularly जिसको punctuation अच्छी तरह आती है, उसको ये पता चलता है कि अच्छा इसने ठीक नहीं किया है. What is that misconception? इसके लिए अच्छी तरह अपने दिमाग में आप लोगों को रखना है. The misconception. What is that? कि फुल स्टॉप हमें जनरली यूज नहीं करना है. फुल स्टॉप हमें जनरली यूज नहीं करना है. फुल स्टॉप हमें जनरली यूज नहीं करना है. कहां कहां? याद रखना, फुल स्टॉप हमें जनरली यूज वहां पे नहीं करना है जहां पे एब्रीवेशन सेम लेटर से स्टार्ट एंड होता है. जहां पे एब्रीवेशन सेम लेटर से स्टार्ट और एंड होता है, जहां पे एब्रीवेशन. सो वी कैन से दैट वी कांट पुट फुल स्टॉप जनरली देयर if the abbreviation ends with the same letter as the full word, as the full word. For example, I will give you the example of doctor. अक्सर जो लोग लिखते हैं doctor, D-O-C-T-O-R, doctor. Doctor को हम short में D-R लिखते हैं, उसके उसके last पे full stop डालते हैं. Isn't it? किसको पता था? जरा कोई बताओ. किसको पता था? कि doctor जो है जब हम abbreviated form में लिखते हैं तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं डालना चाहिए. कैसे? डी डी ओ सी टी ओ आर, पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल. नहीं, मैं कैपिटल की बात नहीं करता हूँ, डी से स्टार्ट होता है. और एंड किससे होता है? आर से. तो जब हम एब्रीवेटेड फॉर्म में ये लिखते हैं डी से और आर से, जब अब ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ इस एग्जांपल से मिलता है कि इफ द एब्रीवेशन एंड्स विद द सेम लेटर एज द फुल वर्ड, वहां पे हमें फुल स्टॉप नहीं डालना. किसी के समझ में आया? यस सर. आप बताओ, वीडियो होगा जहां पे एब्रीवेशन सेम वर्ड से स्टार्ट होता है वहां पे हमें क्या करना है? और ये लास्ट लेटर जो है वो एंड होता है. जब हम इसको एब्रीवेट करते हैं डी आर, ये सेम हो गया, तो एब्रीवेट जो है वो एंड हुई सेम लेटर से. इजंट इट? आया समझ में? सेम लेटर से जब एब्रीवेशन एंड होती है तो वहां पे हमें फुल स्टॉप नहीं डालना है. और एक वर्ड है मिस्टर, एम आर, मिसेस. पहले पहले लिखा करते थे हमारे स्कूल में कि जब हम इस प्रोफेशन में आए वहां पे हमने देखा जहां जहां पे ऑर्डर लिखते थे वहां पे लिखते थे उर्दू वर्ड एम टी आर, एम टी आर. व्हाट डज दैट मीन? दैट द उर्दू वर्ड मोहतरमा. हम कहते थे सर इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज इंग्लिश वर्ड, इन इंग्लिश वर्ड इज मिस मिस, या वो कहते थे इसमें मिस, इजंट इट? तो उसको हम एम आर लिखते हैं, इजंट इट? तो एम और पहला वर्ड जो इस पहला लेटर जो वर्ड का है वो एम से स्टार्ट होता है और एंड किसे होता है? तो हमने के एब्रीवेटेड फॉर्म में एम आर है, इजंट इट? तो यहां पे हमें फुल स्टॉप. अच्छा एटसेट्रा आया, एटसेट्रा, ई टी एटसेट्रा, सी आई टी आर ए, वहां पे लास्ट लेटर जो आता है वो पहले लेटर से
ये प्रिंट है तो वहां पे हमें फुल स्टॉप डालना है। तो फुल स्टॉप में हमने ये समझा कि जब हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और जहां पे हम पॉज करते हैं, जहां हमें कंप्लीटली जहां पे हम रुकते हैं वहां पे हम फुल स्टॉप डालते हैं। लेकिन जहां पे जो हमारे जनरली फुल स्टॉप हम वहां पे यूज नहीं करते हैं, जहां एब्रिवेटेड फॉर्म में वर्ड जो है सेम लेटर से स्टार्ट होता है और एंड भी होता है, तो वहां पे हमें क्या करना है एज ए फुल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल डीओसीटी और डॉक्टर को जब हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम वहां पे हमें क्या करना है फुल स्टॉप। ये आया समझ में? किसकी समझ में आया? ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव ऑफ क्वेश्चन मार्क। That is, it is also one of the important, you know, this punctuation marks जो हमें दिमाग दे जहन में रखना है। Usually we say जब हम किसी जगह कोई question लिखता है